अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग विद इन 2 to 3 मिनट्स अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और काइंडली ऑल स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो ड्यूरिंग लेक्चर अपने माइक्स जो है ना वो अपने ऑफ रखें, ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली एक दफा लेक्चर फुल डिलीवर करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के, और फिर हम लास्ट पे विद इन 5 to 10 मिनट्स ना अपनी डिस्कशन रखेंगे। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। सो स्टूडेंट्स, एज फार एज माइंड प्रोडक्शन इज कंसर्न, माय नेम इज सानिया मकबूल एंड आई एम द डेमोंस्ट्रेटर एट UMT लाहौर कैंपस। सो टुडेज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो आपकी जो सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस SCP2 की मुझे लॉग बुक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। हम इसी तरह ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स जो है ना मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगी इसी सेम टॉपिक पे। SCP2 के ही हमारे 10 लेक्चर्स होंगे टोटल। सो टुडे इज द लेक्चर नंबर 1, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एज यू ऑल सीन एट योर कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन्स कि मैंने SCP2 की कोर्स कंटेंट्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ये 10 पॉइंट्स हैं और ये 10 लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आज का हमारा लेक्चर है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसी तरह सेकेंड पॉइंट हमारा सेकेंड लेक्चर होगा,
which is the general terms used in GPE stands for General Physical Examination for describing the signs and symptoms. बच्चों ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा. थर्ड वन इज द टेम्पलेट टू राइट आउट द जीपीई ऑफ अ पेशेंट. ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट हमारा लेक्चर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम इस तरह 10 लेक्चर्स में आप लोगों को डिलीवर करूंगी. SCP-2 कोर्स कॉन्टेंट्स ये सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि आज का जो लेक्चर है इट इज द ओवरव्यू एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अपकमिंग कॉन्टेंट्स जो आज के लेक्चर में बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जीपीई. अक्सर वाइवा में क्वेश्चंस पूछा जाता है व्हाट इज जीपीई और स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें नहीं पता था कि जीपीई क्या होता है. सो इट इज द बेसिकली एब्रीवेशन ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. अगर वाइवा में कोई ऐसा क्वेश्चन कोई एचओडी आपसे पूछ लेते हैं कि जीपीई क्या है तो इट्स द एब्रीवेशन ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है. इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करूंगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज जीपीई. द नेक्स्ट वन इज बेसिकली असेसमेंट टूल्स फॉर द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. द थर्ड पॉइंट इज सिस्टमैटिक रिव्यू. सिस्टेमिक रिव्यू आपका क्या होता है. ठीक है सिस्टम्स का जब हम रिव्यू करते हैं तो उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज जीपीई स्पेसिफिकेशंस. मतलब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं आज वो भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन. और उसके बाद हम इस लेक्चर के एंड पर तीन टर्म्स यूज करेंगे पैलर साइनोसिस और स्किन मैनिफेस्टेशन. ये बेसिकली हमारी जो टर्मिनोलॉजीज का लेक्चर है ना वो सेकंड है लेकिन उन टर्मिनोलॉजीज में से कुछ टर्मिनोलॉजीज हम आज के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी क्योंकि वो आपके डे वन में मेंशन थी. ठीक है सो अब स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताती चली जाऊं कि जो आपको क्लिनिकल लॉग बुक्स मैंने जीमेल पे सबके साथ शेयर की है ना उनका बच्चों एक पर्पस है. बेसिकली हमें पता है कि हम आप लोगों की वार्ड रोटेशन होती हैं तो जो वार्ड रोटेशन में आप लोगों ने क्लिनिकल लॉग बुक्स अपनी ना पूरी सबमिट करके उनकी आगे फर्दर लेक्चर्स में आप लोगों की असाइनमेंट्स होंगी वो सारी असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है मुझे सबमिट करानी है और उन असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं. ठीक है वो आपकी क्लिनिकल लॉग बुक के नेम से आपकी असाइनमेंट्स होंगी और वो आपके मार्क्स आपके एंटर होंगे फाइनल असेसमेंट्स के अंदर. ठीक है तो हम लोग जब वार्ड रोटेशन पे जाते हैं ना तो बेसिकली ये सारे लेक्चर्स जो है ना उन वार्ड रोटेशन पे हम बच्चों को बताते हैं. ठीक है हम उधर जाके हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ये लेक्चर्स उधर बच्चों को डिलीवर करते हैं एट द बेड साइड ऑफ पेशेंट. ठीक है पेशेंट्स की बेड साइड पे हम ये सारे लेक्चर्स बच्चों को देते हैं. आज का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का जो लेक्चर है बेसिकली ये वार्ड का लेक्चर है. ठीक है लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से हम ऑनलाइन सिस्टम पे हैं सो आई एम कंडक्टिंग द जूम मीटिंग और हम जूम मीटिंग पे ही आज का ये पूरा लेक्चर करेंगे. होपफुली इंशाल्लाह अगर फिजिकल ओपनिंग होती है और जैसे ही यूनिवर्सिटी आपका रीस्केड्यूलाइज करती है तो हम वार्ड्स में भी कुछ लेक्चर ले सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जीपीई बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ना है उसकी सारी एप्लीकेशन जो है इट इज ऑन द बेड साइड ऑफ द पेशेंट. जब आप वार्ड्स में रोटेशन पे जाते हो वहां पेशेंट्स को जब असेस करते हो उनकी हिस्ट्री लेते हो तो बेसिकली ये आपका कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है. सबके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले. ठीक है सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीपीई जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. सो बच्चों जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एक ब्रॉड टर्म है. ठीक है इसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं लाइक एग्जामिनेशन का अगर मैं एग्जामिनेशन की सिर्फ बात करूँ ना तो एग्जामिनेशन एक पेशेंट के हवाले से बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है क्योंकि एग्जामिनेशन उसका हर तरह से हम कर सकते हैं. हम उसकी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं हम उसकी अपेयरेंस वाइज भी कर सकते हैं हम उसके बॉडी ऑर्गन्स की भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम पैल्पेशन भी कर सकते हैं. ठीक है तो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर सारी चीजें जो है ना वो बेसिकली इंक्लूड हो जाती है. सो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चों ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आज की बनाई है ना ये स्पेसिफिकली आप लोगों की इजनेस के लिए बनाई है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो इस
प्रेजेंटेशन को पढ़ें और उनका ये टॉपिक अच्छा सा तैयार हो जाए. मैंने जो लॉग बुक्स शेयर की हैं उसमें इंफॉर्मेशन कम है. आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्लिनिकल लॉग बुक्स और आपकी जो बेडसाइड टेक्निक है बुक, उसका मिक्स्ड कंटेंट है. सो अगर आप ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं इट इज़ वेल एंड गुड कि आप ये प्रेजेंटेशन अच्छी तरह तैयार कर लें, पढ़ लें, लेकिन आप बुक को जरूर कंसर्न करें, ठीक है. और आपने लॉग बुक्स देखनी है कि वैसे मैंने लॉग बुक्स में से हर चीज इस प्रेजेंटेशन में ऐड कर दी है, लेकिन फिर भी आप लोग दोनों चीजों को एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा. और इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है और इसकी मैं इंशाल्लाह इसका क्विज भी अरेंज करती हूँ. सो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चों, जैसे मैंने बताया, एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एक सिंगल टर्म नहीं है. इसकी डेफिनेशन है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ऑब्जेक्टिव एनाटॉमिक फाइंडिंग्स थ्रू द यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि बेसिकली जब हम जीपीई की बात करते हैं ना बच्चों, तो ये हमारा एक इवेल्युएशन सिस्टम है. ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट कौन सा, जो हमारा पेशेंट है, हमारा पेशेंट हमारे पास आया है, हमने उसी को असेस करना है, उसी को इवेल्युएट करना है, ठीक है. उसकी इवेल्युएशन में जो हमारी एनाटॉमिक फाइंडिंग्स आ रही हैं, ठीक है ना, हमारे ऑब्जेक्ट की जो फाइंडिंग्स, जो उसके कंप्लेंट्स हैं, जब हम उनकी असेसमेंट करते हैं ना थ्रू द यूज ऑफ, अब फोर पॉइंट्स है मेरे पास और ये जो फोर पॉइंट्स हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. जब हम नेक्स्ट आपके एससीपी के लेक्चर्स होंगे ना, उसमें आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा होगा और हमने उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ना है. रेस्पिरेटरी सिस्टम फुल होगा, हमने उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ना है. तो ये जो फोर पॉइंट्स है ना, ऑब्जर्वेशन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, हर सिस्टम की ये फोर पिक्युलैरिटीज होती हैं, ठीक है. हम हर सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं. तो बेसिकली जीपीई के अंदर भी ये चारों बातें हमें याद होनी चाहिए कि हमने सबसे पहले क्या करना है. फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन. बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है एंड द ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स व्हेन द पेशेंट एंटर्स एट द डोर ऑफ द डॉक्टर. कि जब पेशेंट डॉक्टर के रूम में उसके डोर पे एंटर हो गया, आपकी ऑब्जर्वेशन तो उसी वक्त स्टार्ट हो गई है. इट मीन्स कि ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. आप पेशेंट को ऑब्जर्व करके ही उसकी बहुत सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पता लगा लेते हो. एट द वंस हम पेशेंट को असेस कर लेते हैं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंड पॉइंट इज बेसिकली पल्पेशन, ठीक है. हम जब पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक है. उन फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए हम पल्पेशन करते हैं, क्योंकि बच्चों हम सिर्फ अपनी साइट व्यू को नहीं देखते कि हमने देखा और हमें समझ लग गई, ऐसा नहीं करते. हम पेशेंट को पल्पेट करके, उसको चेक करके हम चेक करते हैं, मतलब उसकी स्किन को चेक करेंगे. पल्पेशन का मतलब ये है कि अगर हमें किसी पेशेंट का कोई ज्वाइंट ऐसा लग रहा है कि वहां पे थोड़ी सी स्वेलिंग है, सो हम उस स्वेलिंग को असेस करने के लिए, ऑब्जर्व तो हमने कर लिया, बट टू असेस डेट स्वेलिंग हम उस ज्वाइंट के रिस्पेक्टिव एरिया को पैल्पेट करेंगे, ठीक है. और पैल्पेशन से हमें पता चलेगा कि अच्छा वहां पे एडिमा भी था, वहां पे थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा था, तो वो फाइंडिंग्स हमें पैल्पेशन के बाद पता चलती है. सो इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पैल्पेशन कि आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम पैल्पेशन क्यों करते हैं, ठीक है. और बच्चों पल्पेशन के बाद जो परकशन और ऑस्कल्टेशन है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल सिस्टम्स हैं. लाइक परकशन जो है ना, वो हम मोस्टली परकशन हम रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में करते हैं, ठीक है. हम एरिया को परकस करके देखते हैं. परकशन एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि परकशन बेसिकली हम स्पेशल सिस्टम्स में करते हैं, लाइक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम. पेशेंट किसी प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आया है, मैंने उसके लंग्स को की परकशन एरियाज होते हैं, मैंने वहां पे परकशन करके चेक करनी है, ठीक है. और होपफुली मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना परकशन की एक वीडियो भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि परकशन कैसे करते हैं. ऑलमोस्ट हम उसका ना थ्री फिंगर मेथड यूज करते हैं. हमारे पास टू फिंगर्स होती हैं और हमारा जो होता है ना वो दूसरे हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है, उसे हम परकस करके देखते हैं एरियाज को. तो ये बेसिकली हमारे मोस्टली जो परकशन होती है ना, वो हमारे कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में यूज होती है. और इसी तरह जो ऑस्कल्टेशन होती है, वो भी इन दोनों सिस्टम्स में यूज होती है. ऑस्कल्टेशन हम करते हैं स्टेटोस्कोप से, और ऑस्कल्टेशन पे हमें पेशेंट के स्पेसिफिक
बॉडी जो रिलेटेड उसके ऑर्गेन रिलेटेड साउंड्स होती है ना, लाइक हार्ट में स्पेसिफिक मर्मर्स होते हैं, डॉक्टर्स मर्मर्स को आइडेंटिफाई करके पेशेंट की प्रॉब्लम को असेस कर लेते हैं. सो ये स्पेशल साउंड्स होती है. इसी तरह लंग्स के रिस्पेक्टिव एरियाज में कुछ साउंड्स होती हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, क्रैकल्स होते हैं, बबल्स होते हैं, इस तरह के कुछ साउंड्स होती हैं वो ऑस्कल्टेशन पे हमें सुनाई देती हैं. सो ये जो चार पॉइंट्स है ना, ऑब्जर्वेशन, द नेक्स्ट वन इज पल्पेशन, द थर्ड वन इज पर्कशन एंड द फोर्थ वन इज ऑस्कल्टेशन. स्टूडेंट्स दीज आर द की पॉइंट्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. ये फोर पॉइंट्स स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलने चाहिए. अगर वाइवा में कुछ नहीं याद, किसी ने जीपीई के बारे में आप लोगों से पूछ लिया है तो आप लोगों ने यही बताना है कि देयर आर फोर पॉइंट्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, द नेक्स्ट वन इज पल्पेशन, द थर्ड वन इज पर्कशन एंड द लास्ट वन इज ऑस्कल्टेशन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर मूव करें तो बेसिकली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में दो पॉइंट्स इस स्लाइड में लिखे हैं. जो सेकेंड पॉइंट है बच्चों, उसमें ये लिखा है कि जो हम इंफॉर्मेशन अपने एग्जामिनेशन में लेते हैं पेशेंट से, वो बेसिकली इंटीग्रेट करती है फिर हमारी पेशेंट हिस्ट्री से और पैथोफिजियोलॉजी. इट मींस कि अगर हमने, और बच्चों हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जब भी पेशेंट की बेड साइड पे जाते हैं ना, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट की बेड साइड पे गई हूँ एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज अ डॉक्टर सानिया मकबूल. ठीक है, एंड मैं पेशेंट से पहले कॉन्सेंट लेती हूँ. ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है जनरल कि मैं पेशेंट की बेड साइड पे गई, मैंने अपना लिटल ब्रीफ इंट्रो दिया पेशेंट को कि माई नेम इज डॉक्टर सानिया मकबूल, विल आई एग्जामिन यू, मैं उससे कॉन्सेंट लूंगी. ठीक है, मोस्टली पेशेंट्स कहते हैं कि यस. नाउ आई एम स्टार्टिंग the history taking and now I am starting the general physical examination. So एक brief मैंने आप लोगों को आज brief intro भी दे दिया है कि जब हम physical opening की तरफ आते हैं university में और wards में rotation में जाते हैं तो फिर हमें कैसे protocol को manage करना है. ठीक है, अब बच्चों जब हम patients की history लेते हैं, ठीक है, आधी problem तो patient की हमें वहीं पे assess हो जाती है mostly, और आधी problem हमें कहाँ से पता चल जाती है, जब हम उसका जीपीई करते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है. जब दोनों चीजें हमें पता चल जाएंगी तो हमें उस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स के किस प्रोसेस के थ्रू ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का है और ये कंप्लेन्स कर रहा है तो इट मीन्स के बैक उसके ज्वाइंट में कोई इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस था, दैट इज उसकी वो पैथोफिजियोलॉजी थी ऑस्टियो की. ठीक है, तो मुझे वो भी क्लियर हो जाएगी मेरे माइंड. तो ये तीनों बातें ना, तीनों पॉइंट्स हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए. और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, द फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, इट यील्ड्स 20% ऑफ द डेटा नेसेसरी फॉर पेशेंट डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. कि यहीं से हमारा 20% डायग्नोसिस भी कन्फर्म हो जाता है. और बच्चों एक जो गुड डॉक्टर होता है ना, जो अपना डायग्नोसिस बनाता है ना, वो 100% एक्यूरेट अगर ना भी होना तो 70% एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, तो अगर 70 में से 20% हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अच्छा डायग्नोसिस बना लिया, इट मींस के बाकी 50% हम जो बाकी कंपोनेंट्स है उधर से बना सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमने डायग्नोसिस अच्छा बना लिया, यानी हमें पेशेंट की प्रॉब्लम को असेस करके पता चल गया कि उसको क्या मसला है या वो किस प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आया है, तो हम उसकी मैनेजमेंट भी हेल्दी करेंगे. ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अब ये हमारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. जनरल मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई, ठीक है, बेड साइड पे हमने कैसे अप्रोच करना. अब स्टूडेंट्स जब हम पेशेंट्स की बेड साइड पे जाते हैं, ठीक है, सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज इट्स ऑन असेसमेंट टूल्स. हमारे पास अपने असेसमेंट टूल्स होने चाहिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जीपीई करते हैं ना, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें, जिसका नाम ही एग्जामिनेशन है, इट मींस कि उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स तो होने चाहिए. सो ये जनरल टूल्स हैं जिन्हें हम असेसमेंट टूल्स कहते हैं. ठीक है, सो बच्चों ये असेसमेंट टूल्स में नंबर वन पे स्मॉल टॉर्च होनी चाहिए हमारे पास, टंग रिप्रेसर होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, अल्कोहलिक स्वैब होना चाहिए, गोनियोमीटर. बेसिकली डिप्टी स्टूडेंट्स को पता है कि गोनियोमीटर इज बेसिकली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, और मयरिंग टेप,
ओनली फॉर डीपीटी स्टूडेंट्स बिकॉज मयरिंग टेप से बच्चों हम जो लिम गर्थ मूवमेंट्स होती है ना उनको हम मतलब लिम की जो गर्थ मयरमेंट्स होती हैं उनको हम वहां से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि वो कितनी मयरमेंट्स आ रही है हमारी बेसिकली. द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स हैमर, तो उसके बाद है स्मॉल शोल्डर बैग. द नेक्स्ट वन इज नोटबुक, टिश्यू पेपर होना चाहिए, शॉर्ट हैंडबुक ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हमारे पास एक हैंडबुक या पॉकेट बुक भी होनी चाहिए, बीपी अपरेटस होना चाहिए, स्टॉपवॉच होनी चाहिए एंड स्टेटोस्कोप होना चाहिए. ये जो सारे टूल्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए. अगर ये सारे ना भी हों तो एटलीस्ट इनमें से 7 to 8 or 9 or 10 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं वो तो हमारे पास एटलीस्ट लाजमी होने चाहिए जो हमारी पॉकेट में आ सके, ठीक है. तो ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर शो की है, ठीक है. हमारे पास टेट है, मयरिंग टेप है, ठीक है, बीपी अपरेटस है, रिफ्लेक्स हैमर है एंड हमारे पास ट्यूनिंग फॉक है, ठीक है, हमारे पास टंग डिप्रेसर है, हमारे पास स्मॉल टॉर्च है, ठीक है, और ग्लव्स है. ये सारे इक्विपमेंट्स मैंने आपको शो कराए हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की हैं, दैट व्हाट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड व्हाट आर द असेसमेंट टूल्स दैट व्हेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेड साइड ऑफ द पेशेंट्स तो हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए एज अ डॉक्टर. असेसमेंट टूल्स हमारे पास जो होने चाहिए वो मैंने आपको सारे बताए हैं, ठीक है. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि व्हाट इज सिस्टम्स रिव्यू. बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है और इसे यहाँ मैंने स्पेशली मेंशन की है, इसकी एक स्लाइड यहाँ बनाई है, बिकॉज आपकी क्लिनिकल लॉग बुक्स में सिस्टमिक रिव्यू का सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, बट मुझे लगता था कि यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, सो आई विल मेंशन इन दैट लेक्चर कि सिस्टम्स रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बच्चों अ रिव्यू ऑफ सिस्टम, जिसको हम सिस्टमिक इंक्वायरी भी कहते हैं, ये बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को एलिसिट कर सके. लाइक बेसिकली ये जो सिस्टमिक रिव्यू है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है. तो होपफुली आपके SCP-1 का लेक्चर जो होगा उसमें हिस्ट्री टेकिंग से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री टेकिंग से रिलेटेड लेक्चर होगा ना उसमें सिस्टमिक रिव्यू बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ोगे भी, ठीक है, और जो भी आपके रिसोर्स पर्सन हैं वो आपको बताएंगे भी सारा कुछ. लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिस्टमिक रिव्यू जो होता है ना बच्चों, वो एक पेशेंट से उसकी मेडिकल हिस्ट्री को इवेल्युएट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है. और बेसिकली होता क्या है, इट इज ऑफन स्ट्रक्चर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ एन एडमिशन नोट कवरिंग द ऑर्गन सिस्टम्स. मींस कि जब मेरे पास एक पेशेंट आया और मैंने उसकी सिस्टम वाइज इवैल्यूएशन करना शुरू कर दी. एग्जांपल मैं इस तरह देती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया है एंड ही इज कंप्लेनिंग दैट उसको क्रॉनिक कफ है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, और उसको मतलब फटीग हो जाती है. ये उसके जनरल सिम्टम्स, ठीक है. अब ये सिम्टम्स जो है ना, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सिम्टम्स मिक्स सिम्टम्स हैं. हो सकता है कि पेशेंट को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी हो और हो सकता है कि वो उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका इन्वॉल्व हो. सो मुझे कैसे पता चलेगा मैं सिस्टम्स का रिव्यू करूँ. क्या सिस्टेमिक रिव्यू का मतलब ये होता है कि जब मैं वन बाय वन हर सिस्टम को इवेल्युएट करूंगी. लाइक अब ऐसा पेशेंट जो मुझे ये सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं उसका GIT का तो कोई इशू नहीं हो सकता, तो GIT मेरा साइड पे हो जाएगा. उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम मेरा साइड पे हो गया. उसे कोई स्किन वाइज प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, तो मेरा इंटेगुमेंट्री सिस्टम साइड पे हो गया. सो अब मेरे दो सिस्टम रहते हैं, रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर. अब जब पेशेंट से मैं फर्दर हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, तो खुद ही मेरी हिस्ट्री इवेल्युएट होती जाएगी. फर्दर मैं क्वेश्चनिंग के बाद जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट की तो पेन भी है और पेन वो रेडिएट हो रही है उसके बेसिकली जॉ से उसकी लेफ्ट आर्म में. इट मीन्स कि उसको कोई कार्डिक प्रॉब्लम है, ठीक है. मेरी हिस्ट्री के बाद जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आया तो मेरी चीजें क्लियर हो गई. तो सिस्टम्स का रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहाँ तक सब को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो सिस्टमिक रिव्यू है वो क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सिस्टमिक रिव्यू बेसिस बन रहा है हमारे डायग्नोसिस को एलिसिट करने, ठीक है स्टूडेंट्स.
और यहाँ पे एक सेकेंड लाइन में दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर किए हुए हैं कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स परसीव्ड बाय अ पेशेंट एज अपोज टू द ऑब्जेक्टिव साइंस परसीव्ड बाय द क्लिनिशियन. बच्चों ये सब ने गौर से बात सुननी है क्योंकि ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समटाइम्स बन जाता है. बच्चों जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना वो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है. सब्जेक्ट जो हमें कंप्लेन्स करेगा ना दैट आर सिम्टम्स. लाइक मेरे पास एक सब्जेक्ट आया है और उसने मुझे कहा कि मुझे पेन हो रही है, ठीक है. सो पेन उसका क्या है, सिम्टम है, ठीक है. लेकिन अगर मैंने उस सब्जेक्ट में जो मुझे कह रहे हैं कि मुझे पेन है, अगर मैंने देखा है कि उसके ज्वाइंट पे तो थोड़ी सी रेडनेस है, ठीक है, या उसके आईज का कलर पेल है, सो ये बेसिकली बच्चों साइंस होंगे. एंड द साइंस आर द ऑब्जेक्टिव्स विच इज परसीव्ड बाय द क्लिनिशियन. मीन्स दो कॉन्सेप्ट हैं, जो मेरे सिम्टम्स होंगे वो मेरी सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होंगे, ठीक है, और जो मेरे साइंस होंगे ना वो डॉक्टर खुद असेस करेगा. पेशेंट को देख के जो आपको पता चल रहा है, सिंपल वर्ड्स में इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पेशेंट्स को देखकर हमें पता चल रहा है दैट आर साइंस, ठीक है. लेकिन जो पेशेंट हमें खुद बता रहा है, लाइक पेन को मैं देख नहीं सकती, वो तो पेशेंट फील करेगा ना, इट्स अ सब्जेक्टिव सेंसेशन. सो जब पेशेंट मेरा, जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है दैट इज माय सिम्टम, लेकिन जो मैं पेशेंट पे असेस कर रही हूँ वो मेरा साइन है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस, ये क्लियर होने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. बच्चे इस बात को बहुत लाइट लेते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ शेयर किया कि पेन मेरा सब्जेक्टिव बेसिकली कंप्लेन है और वो मेरा सिम्टम है, ठीक है. लेकिन जो मैं खुद असेस करूंगी, लाइक उसकी आईज पेल है तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव साइन है. उसके हैंड्स पे साइनोसिस हुई हुई है, ब्लू कलर हुआ हुआ, तो इट मींस के ये मेरा ऑब्जेक्टिव साइन है, ठीक है. एंड द लास्ट थिंग बच्चों की ये है कि सिस्टेमिक रिव्यू के साथ ही अलॉन्ग विद फिजिकल एग्जामिनेशन, समटाइम्स ये भी होता है कि हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसी कंडीशंस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि हमारा डायग्नोसिस नहीं भी बनाती. तो हमें बहुत केयरफुली एक डॉक्टर को, जब वो अपने पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहा है, तो उसे हर एस्पेक्ट से, पेशेंट की प्रॉब्लम के एस्पेक्ट से भी, उसके सब्जेक्टिव मतलब सिम्टम्स के एस्पेक्ट से भी और अपने ऑब्जेक्टिव साइंस के एस्पेक्ट से भी उसको देखना पड़ेगा हर पैरामीटर को कि मैंने क्या डायग्नोसिस बनाया है. बिकॉज इफ योर डायग्नोसिस इज रॉन्ग तो पेशेंट की मैनेजमेंट भी रॉन्ग साइड पे चली जाती है, ठीक है ना. और अगर पेशेंट की मैनेजमेंट रॉन्ग साइड पे चली गई तो फिर पेशेंट जिस प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर के पास आया है वो तो पता ही नहीं चली, उसकी तो वो क्योर ही नहीं हुई. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टेमिक रिव्यू. और सिस्टेमिक रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारी हिस्ट्री टेकिंग को भी पार्ट में लेकर आ रहा है और हमारी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले. तो बच्चों ये एक छोटा सा टेबल है, वैसे ही आप लोगों की बुक्स में नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ऐड की है. इस तरह सिस्टम्स होते हैं, लाइक विजुअल सिस्टम है, ऑडिटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, ठीक है, जेनिटल ग्राइंडरी है, मस्कुलोस्केलेटल है, न्यूरोलॉजिकल है और एक्सट्रीमिटीज है. तो ये बेसिकली हमारे सारे क्या है, सिस्टम्स है, ठीक है. इन सिस्टम्स में स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, सिम्टम्स. तो हम जब एक एक करके सारे सिस्टम्स की इवैल्यूएशन करेंगे तो वो इवैल्यूएशन किस बेस पे होगी, वो इवैल्यूएशन होगी सिम्टम्स की बेस पर, ठीक है. तो मैं एक एक करके क्या करूंगी कि हर सिस्टम को इवैल्यूएट करती जाऊंगी और मैं अपने सिम्टम्स को क्या करूंगी, क्लियर करती जाऊंगी कि मेरा ये सिम्टम है तो मेरा ये सिस्टम हो सकता है, ठीक है. लाइक अगर मुझे विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इट मींस कि बाकी सारे सिस्टम्स मेरे एक्सक्लूड हो गए, मेरा सिर्फ विजुअल सिस्टम इस वक्त इन्वॉल्व है, ठीक है. अगर मुझे हेयरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऑडिटरी सिस्टम इन्वॉल्व है. अगर मुझे स्लीपिंग, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है.
ठीक है, अगर मुझे यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हेजिटेंसी या इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इट मींस कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में इसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए. तो ये जस्ट मैंने आपके साथ ना एक आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए टॉपिक का एक ब्रीफ सा ऐड किया सिस्टमिक रिव्यू का. आपकी हिस्ट्री टेकिंग में ये बहुत डिटेल में है. तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए. सो द स्टूडेंट्स द सिस्टम्स रिव्यू जिसका मैंने पहले बात की है कि इट्स अ ट्रेडिशनल कॉम्प्रिहेंसिव स्वीप ऑफ ऑल द बॉडीली सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई एनी सिम्टम्स विच मे अदरवाइज बी मिस्ड. मीन्स कि जब मुझे सिस्टम्स का पता होगा ना वन बाय वन तो मेरी कोई चीज मिस नहीं होगी. जब मेरी कोई चीज मिस नहीं होगी तो इट मींस कि मेरा डायग्नोसिस करेक्ट है. ठीक है, सिम्टम्स विच आर इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द डायग्नोसिस मे ओनली कम टू द सर्फेस एट द एंड ऑफ कंसल्टेशन. ठीक है, आइदर बिकॉज दे हैव बीन फॉरगॉटन और कंसिडर्ड ट्रिवियल बाय द पेशेंट. इस लाइन का बच्चों मतलब ये है कि मेरे वो सिम्टम्स जो डायग्नोसिस में टेक पार्ट करे होते हैं या वो डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल है. लाइक मैंने अभी आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर की थी कि मेरा एक पेशेंट आया और उसने मुझे कहा कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, मुझे क्रॉनिक कफ भी है, मुझे फटीग भी है. उसने सिर्फ ये तीन कंप्लेंट्स नहीं की होंगी, उसने तीन कंप्लेंट्स के अलावा 6 to 7 और कंप्लेंट्स भी की होंगी. लाइक वो कहेगा मेरी बॉडी एक्स भी है, मुझे क्रैम्प्स भी आते हैं, मुझे एग्जॉशन भी हो जाती है, मेरी स्लीप भी डिस्टर्बेंस है. बट क्या वो सिम्टम्स मेरे डायग्नोसिस में हेल्प कर रही है? नहीं, वो मेरे डायग्नोसिस में हेल्प नहीं करेंगे. वो मेरे सिम्टम्स हैं असेसरी, मीन्स के वो पेशेंट की असेसरी कंप्लेंट्स है. मेरे जो इंपॉर्टेंट पेशेंट की कंप्लेंट, हमने पेशेंट की हिस्ट्री में से उसके जब एग्जामिनेशन भी करने लगे हमने उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को बाहर निकालना होता है कि मेरा पेशेंट है उसने मुझे 12 पॉइंट्स बताए हैं. सो नाउ अब मेरा काम है कि मैंने उन 12 पॉइंट्स में से 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स उसकी हिस्ट्री में से या उसके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू निकालने हैं जो मेरा डायग्नोसिस बनाए. ठीक है, as a medical student you do a systems review in order to learn by root a set of questions for each bodily system. jaisa maine pehle baat ki aap logon ke sath ki as a medical student agar hame systems ka pata hoga, hame har system ko evaluate karna aata hoga, hame usse relevant symptoms ka pata hoga to hum koi cheez miss nahi karenge. theek hai, aur last point bhi likha hua ki however running through the entire list for any given patient would exhaust both of you. ki sometimes ye bhi hota hai ki jis tarah आपको पता चल गया कि अगर मेरा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सिर्फ जॉइंट पेन्स की तो इट मींस कि आपको वहां पर उसको जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. अगर आप उससे क्वेश्चंस करोगे जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड जो कि बहुत इररिलेवेंट है तो इट मींस कि पेशेंट भी एग्जॉस्ट होगा और आप भी एग्जॉस्ट होगा. ठीक है, तो इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करने जब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हो या जब आप उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो एट द बेड साइड, बिकॉज यू आर द डॉक्टर और आपने पेशेंट को एक ट्रैक पे लेकर आना है. पेशेंट हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो तो आपने उसको ट्रैक पे लेकर आना है कि वो जो कंप्लेंट बता रहा है. हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो कंप्लेन जो वो कह रहा है असेसरी है लेकिन इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उसको जरूर कंसिडर करें. ठीक है, लेकिन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करना डॉक्टर. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिकली बी सिलेक्टिव, फोकस ऑन द सिस्टम रिलेटिंग टू द patient's problem list and include others only if clearly related to the differential diagnosis. ab bachon a bahut important word yahan pe likha hua hai dd, differential diagnosis. unhone is line mein ye baat explain ki hai ki jab aap apne patients ka systems ka review kar rahe ho, matlab aap systems pe focus kare to aapne apne mind mein डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेने, मतलब आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए. लाइक डीडीज बनाने का फायदा क्या होता है? लाइक मेरे पास पेशेंट आया जॉइंट पेन्स के साथ, ठीक है, उसको फिटीग भी है, उसको स्लीप डिस्टर्बेंस भी है, उसको पेन भी है, उसको स्टिफनेस भी है. ठीक है, ही इज नॉट इवन वॉकिंग फॉर मोर देन 2 to 3 hours, उसको बहुत ज्यादा पेन है. तो अब मैंने उस अपने जहन में 2 से 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बना लेने हैं. हाँ, मुझे लग रहा है कि हो सकता है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज आर्थराइटिस के दूसरी टाइप्स के लिए भी रखूंगी. लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है,
उसको एसएलई भी हो सकती है, उसको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है जॉइंट से रिलेटेड, हो सकता है कि उसको जॉइंट की प्रॉब्लम ना हो, उसकी कोई मस्कुलर स्पैज प्रॉब्लम हो. तो मैंने अपने जहन में 2 से 3 डिजीजेस के डीडीज लास्ट में रखे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम जो डायग्नोसिस सोच रहे हो सकता है कि वो डायग्नोसिस पेशेंट का ना हो, ठीक है, और हो सकता है कि हम जो डीडी सोचे वही हमारा ओरिजिनल डायग्नोसिस ना. सो ऑलवेज आपने अपने माइंड में 2 से 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाजमी रखने हैं. और लास्ट में बच्चों इस स्लाइड का की नोट ये है कि अ वेल टेकन हिस्ट्री विल यूजुअली प्रोवाइड मोर क्लूज टू द डायग्नोसिस देन द फिजिकल एग्जामिनेशन. इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट. कि आपकी जो वेल टेकन हिस्ट्री होती है ना, वही आपका सब कुछ होती है. बात करने का मकसद उनका, ये लाइन लिखने का मकसद यहाँ पे ये है कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप पेशेंट की आधी प्रॉब्लम को असेस कहाँ से करते हो? उसकी वेल डिफाइंड हिस्ट्री से. यानी अगर आपने अच्छी हिस्ट्री ली है पेशेंट की, तो आपको उसका आधा प्रॉब्लम पता चल जाएगा. और आधा जो प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा ना, वो आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन से देखो. और अगर आपको पता चल जाए उसकी प्रॉब्लम, तो एक अच्छा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डिवेलप हो जाता है बिटवीन यू एंड योर पेशेंट. तो कभी हो ही नहीं सकता कि पेशेंट और आपके दरमियान जो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हो जाए, तो पेशेंट आपको वो डिटेल्स भी बता देगा जो वो नहीं बताना चाह रहा डॉक्टर को. समटाइम्स होता है कि पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने डॉक्टर से कुछ बातें शेयर नहीं करते, कुछ चीजें नहीं बता रहे होते, ठीक है. लेकिन अगर एक कॉन्फिडेंस डिवेलप हो जाए ना, तो पेशेंट डॉक्टर को अपनी हर चीज बताता है, अपना हर पॉइंट क्लियर करता है कि मुझे ये भी प्रॉब्लम था, मुझे ये भी प्रॉब्लम था, ठीक है. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा बेसिकली GPE important specifications complete होती हैं. Now what is the sequence for performing a physical examination? अब sequence क्या होना चाहिए? With experience के साथ ही हमें sequence पता चलता है physical examination का, ठीक है. और जब हम practice करते हैं ना, और ये चीज सबसे ज्यादा कहाँ से आती है? Practice से. जितना आपका exposure patients का patients के साथ ज्यादा होगा ना bed side पे, उतना ज्यादा आपको physical examination को perform करने में एक sequence पता चल जाएगा कि मैंने इस तरह पेशेंट को जाके असेस करना है, ठीक है. और कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने का मेथड मैंने अभी आपको बताया भी है कि जब भी मैं पेशेंट के बेड साइड पे जाऊंगी, तो मैंने पेशेंट को ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन देना, मैंने उससे कंसेंट लेना. बच्चों वाइवा में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप पेशेंट से कंसेंट ना लें. और खास तौर पे अगर आपने पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और उसके किसी बॉडी पार्ट को पैल्पेट करना है, मीन्स के उसके किसी एरिया को अनकवर करना है, तो अगर आप उससे परमिशन ही ना लेंगे, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली वहां पे जो आपका वाइवा कंडक्ट कर रहा होगा ना, वो आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है. तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए. इस लेक्चर में बताने का मकसद ये है कि अगर कोविड की वजह से भी फिजिकल ओपनिंग नहीं है यूनिवर्सिटी की, और अगर आप पेशेंट्स को आप डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर पा रहे, तो आपके माइंड में एटलीस्ट ये सारी बातें होनी चाहिए, ताकि जब हम मूव करें बेड साइड की तरफ पेशेंट की आफ्टर फिजिकल ओपनिंग भी, तो हम इसी तरह प्रोसीड ऑन करें सारा कुछ, ठीक है. और फिजिकल एग्जामिनेशन का बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एज सून एज यू सी द पेशेंट, तो आपका तभी स्टार्ट हो जाए. जैसे मैंने अभी बताया कि पेशेंट जैसे ही आपकी डोर पे आया ना, मतलब डॉक्टर के रूम में जैसे ही पेशेंट एंटर हुआ, उसका एग्जामिनेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज खासतौर पे DPT स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि हमारी कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो गेट से रिलेटेड है. लाइक पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट, उसका गेट ही बताएगा कि ही इज सफरिंग और शी इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज. सो आप जब पेशेंट को असेस कर रहे हैं ना, तो आपने उसको उसके अपने रूम के डोर से उसकी असेसमेंट शुरू हो जाती है, एग्जामिनेशन वहीं से स्टार्ट हो गया. So it's very important point. Assess the patient's general physique. आपने देख लिया patient को, उसकी physique देख ली, external appearance को देख लिया, and watch how they rise from their chair and walk into the room. ठीक है, कि वो कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसकी movements क्या है, ठीक है, सारा कुछ हम assess कर लेते हैं एक general observation के थ्रू, ठीक है. Often your general observations point to the specific diagnosis or to the system causing problems.
कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है बच्चों क्योंकि वो कह रहे हैं कि समटाइम्स जैसे मैंने अभी बताया है कि पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट जो पार्किंसंस डिजीज को कहते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, गेट प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट, पेशेंट चलता ही ऐसे है आपको पता चल जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपने उसको अच्छा ऑब्जर्व कर लिया ना तो आपका डायग्नोसिस 100% श्योर हो गया, ठीक है। आपको स्पेसिफिक डायग्नोसिस आपका आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन दे सकती है। हाँ, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम भी हो सकती है कि समटाइम्स हो सकता है कि उसका डायग्नोसिस कुछ और बन रहा हो और हमने उसको ठीक तरह से असेस ना किया हो तो हमारा डायग्नोसिस चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नोटिस दैट अ टाइट पर्सन इज एबनॉर्मली पिगमेंटेड, दिस शुड सजेस्ट अ पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एडिसन्स डिजीज हो सकती है। बच्चों कुछ चीजें जैसे मैंने अभी बताया कि जो पार्किंसंस डिजीज है उसका पेशेंट गेट प्रॉब्लम के साथ आएगा, ठीक है। एडिसन्स डिजीज के अंदर पेशेंट के स्किन पे एबनॉर्मल पिगमेंटेशन होती है, ठीक है, और उसको टाइटनेस भी फील हो रही होगी। तो कुछ डिजीजेस के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइक पेशेंट किसी स्किन लीजन के साथ आता है, ठीक है, तो हमें उसकी स्किन को देख के ही पता चल जाएगा कि अच्छा इसको कोई इंटेगुमेंट्री प्रॉब्लम है। नाउ अब हम उसको असेस करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह की उसको स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर है या किस तरह का स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। आइदर उसको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई ज्वाइंट से रिलेटेड कोई समटाइम्स स्किन रैशेस प्रेजेंट कर रहे होते हैं ज्वाइंट डिसऑर्डर्स के साथ और डायग्नोसिस बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत से जो पॉइंट्स होते हैं ना वो हमने अपने माइंड में रखने होते हैं जब हम एक पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम डायग्नोसिस अपने जहन में सोच लें वही डायग्नोसिस हो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, आफ्टर टेकिंग अ डिटेल हिस्ट्री यू शुड हैव अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन माइंड, कैरी आउट योर एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली ट्राइंग टू एलिसिट द साइंस दैट विल कंफर्म और रिफ्यूट योर डायग्नोसिस। वही बात अगेन कि दीदी आपने अपने जहन में बना के रखनी है 2 से 3 एग्जामिनेशन को ठीक तरह से करना है ताकि हम एक अच्छा डायग्नोसिस बना सकें, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली ना यहाँ तक लेक्चर जो है ना पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में था, ठीक है, और हमने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स पढ़े मैंने उसमें आपको जनरल उसके बारे में व्हाट इज जीपीई वो बताया, असेसमेंट टूल्स का बताया। नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो सिस्टम्स रिव्यू है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फिर सीक्वेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास जीपीई की इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा बेसिकली लेक्चर स्टार्ट होता है कि जनरल टर्म्स जो हम यूज करते हैं फॉर द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, राइट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एग्जामिनेशन पे सामने नजर आती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पेलनेस जो होती है ना आईज में, अगर पेशेंट की आईज पेल होना तो हमें पेशेंट को देखते सारी पता चल जाएगा कि हाँ उसकी आईज पेल है। सो इट मीन्स कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हम ऐसे भी यूज करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसके लिए हमने अलग से जो है ना, मतलब ये आज के जो 3 पॉइंट्स है ना, पैलर, साइनोसिस और कुछ स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं, ये जनरली यूज होती है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो हमने ये याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी ना वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में है, वो हम तब पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज बच्चों पैलर। पैलर बेसिकली मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, यानी ये डॉक्टर असेस करेगा। इट मींस कि इट इज अ साइन, ये सिम्टम नहीं है, ठीक है। पैलर एक साइन है जो डॉक्टर को बताएगा कि पेशेंट इज इन्वॉल्विंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, ठीक है। सो पैलर की सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर जो लाइन बच्चों आपको टॉप मोस्ट नजर आ रही है वो क्या है कि पैलर अनीमिया, अनीमिया की वजह से होता है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो रीजन हमारी मोर देन 70% पॉपुलेशन के अंदर, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना उसकी मैं बात कर रही हूँ कि उसमें अनीमिया की वजह से ही स्किन पैलर होती है, ठीक है। अब उस स्किन कहाँ कहाँ पे पैलर होती है उसकी डिटेल्स है, ठीक है, वो हमें हर पॉइंट मैं जब कंप्लीट कर दूंगी ना स्लाइड को तो आपको पता चल जाएगा। सो अनीमिया में बेसिकली बच्चों क्या होता है कि रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हमारी जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन है ना रेड ब्लड सेल्स में वो बेसिकली रिड्यूस हो जाती है। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैलरनेस ऑफ द स्किन, ठीक है, वो पैलर कर देती है। और बेसिकली पैलर क्या है, इट इज अ पेल कलर ऑफ द स्किन दैट कैन बी कॉज्ड बाय इलनेस,
मतलब किसी डिजीज की वजह से हो सकते हैं, इमोशनल शॉक की वजह से भी हो सकता है, ठीक है. लाइक पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहा है, आईसीयू में आ रहा है, ही और शी इज इन शॉक कंडीशन, हाइपोवोलीमिया हुआ हुआ, पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत कम है, शॉक कंडीशन में पेशेंट गया हुआ है, तो वो पैलर होगा. हार्ट अटैक का पेशेंट आप उसको कभी देखे ना, तो हार्ट अटैक का पेशेंट बिल्कुल पेल होता है, ठीक है. तो ये वो कंडीशन है, इमोशनल शॉक की कंडीशन. आपको स्ट्रेस हो, समटाइम्स लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए ना तो वो पेल हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है स्ट्रेस की वजह से. स्टिमुलेंट यूज करते हैं कोई, तो उसकी वजह से भी स्किन पैलर हो जाती है. और अनीमिया, अनीमिया बच्चों जिस तरह मैंने अभी कहा है कि मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्किन पैलरनेस इज अनीमिया, विच इज द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन द रेड ब्लड सेल्स. तो आपको अनीमिया हो जाता है, तो अनीमिया की वजह से पैलरनेस भी आ रही है. तो ये पैलर की कॉजेज है, इलनेस की वजह से, इमोशनल शॉक की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्टिमुलेंट यूज करने की वजह से, अनीमिया की वजह से, एंड इज द रिजल्ट ऑफ अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो आपकी स्किन पैलर होना शुरू हो जाती है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, जब भी पेशेंट की स्किन पैलर होती है तो हमें पता चलता है कि पेशेंट इज अनीमिक, पेशेंट को इट मीन्स के फॉलिक एसिड देने की जरूरत है. इस वक्त डॉक्टर्स फौरी तौर पर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि उसको एडवाइस करें फॉलिक एसिड, बिकॉज उसकी स्किन पैलर हुई हुई है. इट मीन्स के ही और शी इज अनीमिक, उसको एनीमिया हुआ है, ठीक है. बिकॉज और अनीमिया फिर क्यों हुआ है, बिकॉज द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हुई हुई है. अब बच्चों पैलर हम के लिए जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर देखें तो पैलर के लिए कौन कौन सी बॉडी साइट्स है जहां पे हमें पैलरनेस नजर आ सकती है. नंबर वन नेल्स पे, नंबर टू पामर स्किन पे, ठीक है, पाम वाली जो साइड है उसकी स्किन पे, लोअर कंजंक्टिवा ऑफ आईज के अंदर. डॉक्टर समटाइम्स हमने अक्सर देखा होगा जब डॉक्टर्स जीपीई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे आईज को थोड़ा सा लोअर करके ना चेक करते हैं, वो बेसिकली हमारा लोअर कंजंक्टिवा चेक कर रहे होते हैं, ठीक है. एंड डॉर्सम ऑफ टंग, ये वो साइट्स हैं जहां पर पैलरनेस हो सकती है, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू द कॉम्प्लेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोपोर्शन दैट इज ऑक्सीजनेटेड और रिड्यूस्ड. अभी मैंने बात की है कि स्किन पैलर कब होगी, जब उसके अंदर जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल है ना वो कम हो जाता है, ठीक है. इट मीन्स के हीमोग्लोबिन की कॉन्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, ठीक है. ऑब्वियसली जो पेशेंट्स पैलर होंगे उनमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल कम है, इसीलिए उनका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा लाइट होगा, स्किन उनकी पेल हो रही है ना तो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा लाइट हो गया ना, स्किन का नॉर्मल स्किन नहीं रही उनकी, ठीक है. नॉर्मली उनके हैंड्स को अगर देखा जाए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा. नॉर्मली उनके हैंड्स देखे जाए तो रेड होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पेल पर्सन के हैंड्स देखे जाए तो वो येलोइश लुक दे रहे होते हैं, कलर लाइट हो गया ना, ठीक है. कॉम्प्लेक्शन से यहाँ कलर वो मीनिंग ले रहे हैं. ये सब बच्चों को बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पैलर फ्रॉम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. अब जब स्किन में पैलरनेस होती है ना, पैलर होती है, तो आपकी जो आर्टरीज है ना वो बेसिकली वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होती है वो किन रीजंस की वजह से हो सकती है, मैंने अभी बताया था ऊपर कि शॉक, पेशेंट आपका शॉक में गया ना तो आपकी जितनी भी वेसल्स होंगी ना वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है. तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किन रीजंस की वजह से होगी, शॉक की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है. एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड में भी अगर हम जाए ना तो समटाइम्स जो लोग होते हैं ना वो पेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. एक्सपोजर टू कोल्ड, शॉक एंड हार्ट फेलियर, दीज आर द थ्री रीजंस जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है. और अगर पैलरनेस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो तो उसमें पेशेंट्स जो है ना वो या तो फेंट हो जाते हैं या फिर फ्राइटेंड होते हैं, ठीक है, वो फेंट हो जाते हैं फुल तौर पर. तो अगर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ऐसी कोई पैलरनेस नजर आए तो इट मीन्स के इट इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव अनीमिया, ये बहुत हाई लेवल का अनीमिया हो चुका है,
तो पेशेंट को हम फौरी तौर पर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उसको फॉलिक एसिड देते हैं, ठीक है। लास्ट वन पॉइंट बचो ये कि एग्जामिन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द कंजंक्टिवा एंड माउथ टू रिकॉग्नाइज द पैलर ऑफ एनीमिया। कि अगर हमें सस्पेक्ट हो रहा हो कि किसी पेशेंट में एनीमिया की कंप्लेंट्स हैं और ही और शी इज एनीमिक, तो हमने दो चीजों को एग्जामिनेशन में लेकर आना है। हमने उसका लोअर कंजंक्टिवा देखना है और हमने उसका माउथ चेक करना है। माउथ में मैंने ऊपर बताई है साइड डॉर्सम ऑफ द टंग, डॉर्सम ऑफ टंग पे थोड़ी सी पेलनेस हो गई, हमें पता चल जाएगा कि ये डेफिनेटली पेशेंट एनीमिक है, ठीक है। तो यहाँ तक पैलर जो पॉइंट है ना वो हमारा होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों ये दो पिक्चर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पिक में जो पेशेंट के दो मतलब हैंड्स की पिक्चर है ना, जो फर्स्ट वाला हैंड है ना वो थोड़ा सा रेड है, वो नॉर्मल है। जो पेल हैंड है ना जिसमें पेशेंट हैंड शोइंग पैलर, वो आप देखेंगे तो थोड़ा येलोइश लुक दे रहा है। और सेकंड में भी व्हाट इज पैलर, तो ये पैलर होता है, इस तरह का कलर हो जाता है स्किन का, पेल हो जाती है, ठीक है मैम। जी स्टूडेंट, हम ना जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन का सेशन होगा ना वो लास्ट पे रखते हैं, ठीक है। तो मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर दूं फिर आप क्वेश्चन। अच्छा सेकेंड पॉइंट इज स्टूडेंट्स साइनोसिस, ठीक है। बच्चे जो साइनोसिस होता है ना, बेसिक साइनोसिस का जनरली मीनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइनोसिस की दो डेफिनेशंस हैं और मैंने ना छोटा सा इस प्रेजेंटेशन में रेड कलर से ना रेफरेंस ऐड किया हुआ है। तो रेफरेंस जहां मैंने लिखा हुआ ना रेफरेंस क्लिनिकल लॉग बुक, जो आपकी फर्स्ट वाली डेफिनेशन है साइनोसिस की, ये मैंने आपकी लॉग बुक से ली है, ठीक है। और जो नीचे वाली डेफिनेशन है ना पूरी, वो मैंने आपकी बेड साइड से ली है। तो मैंने आगे मेंशन कर दिया कि मैंने ये डेफिनेशन कहाँ से ली है, ताकि आप लोगों को रीड आउट करो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो बच्चा साइनोसिस क्या होता है, इट इज एन एबनॉर्मल ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रिक्वायर एन एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ऑफ मोर देन 50 ग्राम पर लीटर सॉरी। मीन्स इस लाइन का मतलब ये है कि बच्चों के साइनोसिस में आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन उस पर ब्लूश कलर की डिसकलरेशन आना शुरू हो जाती है। और साइनोसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसका लेवल कितना होना चाहिए, मोर देन 50 ग्राम पर लीटर। अगर आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात नहीं हो रही, नॉर्मल ब्लड की बात नहीं हो रही, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, सो इट मीन्स कि अब नॉर्मल है, पैथोलॉजी बन रही है ये, ठीक है ना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सॉरी डीऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन है ना वो कितना होना चाहिए, मोर देन 50 ग्राम पर लीटर। तो ये एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ बॉडी मूव कर रही है, ये उन्होंने उसका लेवल बताया हुआ कि अगर ये लेवल्स हो तो इट मीन्स द पेशेंट इज साइनोटिक, वो साइनोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलरली इन द ब्लैक एंड एशियन पेशेंट्स। ऑब्वियसली उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है ना, तो उसकी वजह से हमें उनकी स्किन पे वो कलर चेंज, क्योंकि ब्लू कलर प्रोमिनेंट नहीं होगा उनकी स्किन पे, तो वहां थोड़ा हमें डायग्नोसिस करने में थोड़ा मसला होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्शन की वजह से। बल्कि नॉर्मल जो हमारे लोग हैं उनमें जिनका नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन भी हो तो उसमें भी हमें इजीली पता चल जाता है कि इसको साइनोसिस की प्रॉब्लम है। इफ द सेकंड जो डेफिनेशन है बच्चों वो मैंने लिए बेड साइड टेक्निक से। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड राइजेस अबव 5 ग्राम पर सेकंड, अ ब्लूइश टिंच इज सीन इन द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगेन बच्चों दो बातें याद रखनी है, आपकी साइनोसिस कहाँ पे नजर आ रही है, स्किन में और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्पेसिफिकली ये दो एरियाज में नजर आती है, ठीक है। अब स्किन में कहाँ कहाँ नजर आ सकती है और म्यूकस मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट पे कहाँ कहाँ नजर आ सकती है वो मैंने नीचे साइड्स लिखी हुई है, ठीक है। अब जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर कितने लेवल्स पे कम हो, 5 ग्राम परसेंट लेवल पे अगर इतनी रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन हो, उसका लेवल इससे अबव हो जाए, तो आपको एक ब्लूइश कलर का टिंच, टिंच का मतलब ये है कि एक जैसे कहते हैं ना कि किसी ने एक चीज आपकी स्किन पे जैसे एक स्प्रेड कर दिया, आपको टिंच नजर आएगा ना, कलर नजर आएगा एक स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे,
इट इज टर्म्ड एज साइनोसिस, इसे हम साइनोसिस कहते हैं। अब बच्चों साइट साइनोसिस की कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि हमें साइट्स का इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम पेशेंट की बेड साइड पे जाएंगे उसको एग्जामिन करने के लिए, तो नेल्स पे, ठीक है, टिप्स ऑफ द नोज पे और ईयर लोब्यूल पे, इनर सरफेस ऑफ द लिप पे और टंग पे। ये बेसिक वो साइट्स हैं जहां पर हमें जो साइनोसिस है ना वो पेशेंट की नजर आ सकती है, ठीक है। तो अगर हमें इन साइट्स का पता होगा ना तो हम इजीली पेशेंट को लेबल कर लेंगे कि ही और शी इज अ साइनोटिक पर्सन, ठीक है। नेल्स पे नजर आ सकती है, टिप ऑफ नोज पे, ईयर लोब्यूल पे, इनर सरफेस ऑफ लिप पे और टंग पे। तो दो मैंने बेसिकली डेफिनेशन ऐड की हैं। फर्स्ट वन डेफिनेशन आपका रेफरेंस है क्लिनिकल लॉग बुक का, और सेकेंड वन आपका रेफरेंस है बेडसाइड टेक्निक्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है बच्चों। ये साइनोसिस के पिक्चर्स कि इस तरह की कुछ लुक आती है हैंड्स की ना, स्पेसिफिकली ब्लू कलर की आ जाती है, ठीक है। ये दोनों पिक्चर्स ना साइनोसिस को शो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल साइनोसिस, एंड बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनोसिस, वन इज सेंट्रल साइनोसिस एंड द अदर वन इज पेरिफेरल साइनोसिस। सो बच्चों सेंट्रल साइनोसिस क्या होती है कि सेंट्रल साइनोसिस इज यूजुअली ड्यू टू द आर्टेरियल हाइपोक्सीमिया, ठीक है, एंड ऑलवेज इंडिकेट्स अंडरलाइंग डिजीज, यूजुअली कार्डिक और पल्मोनरी। आपने एक बात ये याद रखनी है, इसको बहुत इजी करके मैं समझाती हूँ कि सेंट्रल साइनोसिस सेंट्रल ऑर्गन्स की वजह से हो रही है, लाइक कार्डिक या पल्मोनरी, मेजर दो सिस्टम रेस्पिरेटरी या फिर हार्ट, यानी लंग्स या हार्ट में कोई मसला हो, कार्डिक या पल्मोनरी कोई भी डिजीज हो, उसकी वजह से आर्टेरियल हाइपोक्सीमिया का मतलब है कि आर्टरीज में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, उसकी वजह से जो साइनोसिस होता है ना दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रल। बच्चों सेंट्रल मतलब कि बहुत सेंटर है, सेंट्रल मतलब कि हमारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड है, और जो दो वाइटल ऑर्गन्स हैं लंग्स और हार्ट, अगर उनकी रीजंस आ जाती हैं कि इनकी वजह से कोई साइनोसिस है, इट मींस कि इट इज द सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है। अब बच्चों सेंट्रल साइनोसिस में हमारे एरियाज कौन से साइनोस्ड होते हैं, ब्लू कौन से एरियाज होते हैं, लिप्स एंड टंग्स। इफ द लिप्स एंड टंग्स आर ऑल्सो साइनोस्ड इट इज कॉल्ड सेंट्रल साइनोसिस। बहुत ईजी हो जाता है अगर पेशेंट के ये दोनों एरिया साइनोस्ड होना तो हम पेशेंट को लेबल कर देते हैं एज अ कि ये सेंट्रल साइनोस्ड पेशेंट है, ठीक है। और इसमें पेशेंट नॉर्मली ना डिस्निक होते हैं, क्यों डिस्निक होते हैं, ठीक है। डिस्निक बच्चों पेशेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, और ऑर्गन्स की अपनी मैनिफेस्ट, लाइक हार्ट में जो पेशेंट आएगा ना वो डिस्निक होगा, थका हुआ होगा, उसको थोड़ा सा फटीग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इसी तरह जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पेशेंट होगा ना जिसको पल्मोनरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी डिस्निक होगा, उसको भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इसलिए हमारे जो सेंट्रल साइनोसिस के पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ये एलिमेंट भी आ जाता है कि वो डिस्निक होते हैं, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस के पेशेंट डिस्निक नहीं होते। तो यहाँ से भी हमें दोनों को आइडेंटिफाई करने में पता चलता था, ठीक है। अब कॉजेज इसके आगे मैंने अभी बताया कि या तो कार्डिक होंगी या फिर पल्मोनरी। तो कॉजेज आर रेस्पिरेटरी फेलियर लंग्स के रिस्पेक्ट से एंड साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज बेसिकली हार्ट डिजीज की एक ऐसी टाइप है जिसमें मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाती है। तो हार्ट की अगर प्रॉब्लम आ गई या लंग्स की प्रॉब्लम आ गई तो हमारा हमेशा जो पॉइंट होगा वो कहाँ जाएगा कि ये साइनोटिक है, लेकिन ये सेंट्रल साइनोसिस है, ठीक है। नीचे उन्होंने एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि इन पेशेंट्स विद द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल साइनोसिस कैन बी डिटेक्टेड व्हेन द आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल्स बिलो 90%। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए है बच्चों कि अगर सेंट्रल साइनोसिस के साथ पेशेंट आ रहा है तो उसके आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल फॉल होना चाहिए बिलो 90, और उसकी ऑक्सीजन जो टेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली 8 kilopascal होनी चाहिए, मीन 60 mm of mercury। तो ये दो वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने याद रखी, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है कि सेंट्रल साइनोसिस में आपके दोनों मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। सो द नेक्स्ट वन इज बच्चों एनीमिक और हाइपोविलेमिक पेशेंट्स रियली हैव सेंट्रल साइनोसिस बिकॉज वेयर हाइपोक्सिया इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द नेसेसिटी कंसंट्रेशन ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑब्वियसली बच्चों के जो हमारे पास साइनोटिक पेशेंट्स होते हैं ना उनमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ
हाइपोक्सिया रिक्वायर्ड होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करने के लिए. तो हमारे जो पेशेंट्स पहले ही अनिमिक हैं, जो पहले ही हाइपोवोलीमिया में गए हैं, शॉक में गए हैं, तो उनमें तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन हाँ, जो हमारे पेशेंट्स पॉलीसाइथीमिया के साथ होंगे ना, वो हाईली अमाउंट में साइनोटिक हो सकते हैं. कि मतलब ये भी हमें पता चल, अब ये दोनों पॉइंट्स भी ना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपको ऑप्शन आती है कि विच पेशेंट्स आर बिकम हाईली साइनोस्ड एट हायर ऑक्सीजन टेंशन लेवल्स, तो आप लिखोगे पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया के अंदर पेशेंट्स जो है ना वो साइनोटिक हो सकते हैं. लेकिन हाइपोवोलीमिया और अनिमिया के अंदर बहुत रेयर चांसेस है कि पेशेंट आपका साइनोटिक हो. क्यों? क्योंकि उसमें तो पहले ही उसकी ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले रिड्यूस हुई है, तो उसने कहाँ से साइनोसिस की तरफ मूव करना है. ठीक है, नेक्स्ट वन है बच्चों पेरिफेरल साइनोसिस. तो बच्चों पेरिफेरल साइनोसिस अकर्स व्हेन द सेंट्रल साइनोसिस इज प्रेजेंट बट इज मोर कॉमनली सीन विद पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन. ये आपकी क्लिनिकल लॉग बुक लिखती है, ठीक है, कि जब आपकी सेंट्रल होगी तो हो सकता है कि आप पेरिफेरल साइनोसिस भी स्टार्ट हो जाए. क्योंकि जब बॉडी ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड नहीं ना कर रहे, लाइक हमें पता है कि हार्ट और लंग्स दोनों मिलकर जो है ना आपकी सर्कुलेशन मेंटेन कर रहे होते हैं. ठीक है ना, हमारा पेरिफेरल जो सर्कुलेशन सिस्टम है ना वो हार्ट और लंग्स कंट्रोल करे. अगर दोनों ऑर्गन्स ही सही काम नहीं कर रहे, जो दोनों में से एक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इट मीन्स कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में कोई ना कोई मसला आएगा. पेरिफेरल सर्कुलेशन में हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज और सारी इंटरकनेक्टेड आती हैं चैनल्स. ठीक है, तो इट मींस कि जब सेंट्रल डिस्टर्ब होगा तो पेरिफेरल भी डिस्टर्ब हो जाएगा. लेकिन पेरिफेरल साइनोसिस मोस्ट कॉमनली कब आती है? पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर. लाइक पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंट डिजीजेस आ सकती है, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि या तो एरिडोमेटस पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज. कि जो एरिडोमेटस होता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई प्लाक बन गया है, यानी कोई फैट्स की डेपोजिशन हो गई आपकी आर्टरीज के ऊपर. अगर उससे रिलेटेड आर्टेरियल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है. और जो बच्चों रेनॉट्स फिनोमेना होता है ना, और एक बर्जर्स डिजीज होती है, ये दोनों नेम्स हैं. ये जो है ना बेसिकली ये भी हमारी आर्टेरियल डिजीजेज है, उनके नाम है. ठीक है, रेनॉट्स फिनोमेना में आपके जो हैंड्स होते हैं ना उनके ऊपर डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं. मतलब कभी वो वाइट लुक देती हैं हैंड्स के टिप्स, कभी वो रेड होती हैं और कभी वो ब्लू हो जाती है. रेनॉट्स फिनोमेना है स्पेसिफिक. और वीनस सब्स्ट्रक्शन, तो बेसिकली जो पेरिफेरल साइनोसिस में कॉजेज होंगी ना, वो आपकी या तो आर्टरीज आर्टेरियल डिजीज होंगी या फिर वीनस सब्स्ट्रक्शन होगी, यानी वेन्स और आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगी. जबकि सेंट्रल साइनोसिस का मैंने बताया था कि उसमें सिर्फ ऑर्गन्स आते हैं, यानी या तो आपका हार्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा या आपके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे. ठीक है, पेरिफेरल साइनोसिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द नॉर्मल पेशेंट्स व्हेन द हैंड्स आर एक्सपोज्ड टू कोल्ड. नॉर्मल पेशेंट्स में भी हो सकता है कि जब वो ज्यादा कोल्ड में जाए तो पेरिफेरल साइनोसिस हो जाए. और पेरिफेरल साइनोसिस पेरिफीज में होती है, लाइक हैंड्स और फीट में ज्यादा नजर आएगी. लेकिन आपकी बेड साइड ये लिखती है कि इफ ओनली नेल्स, नोज एंड ईयर लोब्यूल्स आर साइनोस्ड व्हाइल द कलर ऑफ लिप्स एंड टंग इज नॉर्मल. ठीक है, तो इट इज टर्म्ड एज पेरिफेरल साइनोसिस. इट मींस कि अगर आप ये लाइन याद कर लें, तो कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसकी लिप्स और टंग तो नॉर्मल हो लेकिन उसके नेल्स या फिर ईयर लोब्यूल साइनोस हो, इट मींस कि वो पेरिफेरल साइनोटिक पेशेंट है. और बच्चों पेरिफेरल साइनोसिस जो होती है ना, उसकी कॉजेज है एक्सपोजर टू कोल्ड, स्पेयर हाइपोटेंशन, रेनॉट्स फिनोमेना और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन. ये बच्चों एक पिक्चर है, ठीक है, ये हैंड्स पे भी और फीट पे भी ये शो करवाई गई है. ठीक है, अब बच्चों लास्ट लेक्चर की जो आज की स्लाइड है ना वो है स्किन मैनिफेस्टेशन. तो बच्चों स्किन मैनिफेस्टेशंस में आज, वैसे स्किन मैनिफेस्टेशंस आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये तीन पॉइंट्स उन्होंने स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में लिखे हुए थे तो मैंने ऐड कर दिए हैं. ये हम पढ़ लेते हैं लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस ना हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. तो बेसिकली क्योंकि इसका जो पूरी स्किन मैनिफेस्टेशन है ना वो है ही नेक्स्ट लेक्चर में आपके, तो हम इसको भी वहीं पर डिस्कस कर लेंगे. आज चूंकि 35 हो गए हैं और टाइम भी थोड़ा कम है, तो इसको हम एक दफा देख लेते हैं तीनों चीज़ों को ना. बच्चों मेलानिन का जो है ना, मेलानिन वो एक पिगमेंट प्रोटीन होती है और वो बेसिकली हमारी स्किन को ना कलर देती है, मेलानिन जो प्रोटीन होती है ना. ठीक है, तो मेलानिन की उन्होंने कहा कि अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट कंडीशंस में ना चेंज हो सकती है. तो अगर मेलानिन से रिलेटेड कोई पेशेंट आया है स्किन प्रॉब्लम के साथ, तो वो भी आपको असेस करना पड़ेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम. ठीक है,
जो विटलिगो कंडीशन होती है ना उसमें क्या होता है कि व्हाइट पैचेस बच्चों बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, यानी विटलिगो के अंदर छोटे छोटे व्हाइट पैचेस ना आपकी स्किन पे नजर आ रहे होंगे, उस तरह की कंडीशन का अगर अगर पेशेंट आए ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसको ये स्किन प्रॉब्लम है। और जो बच्चों एल्बिनिज्म होता है ना, एल्बिनिज्म के अंदर ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि स्पेसिफिक रेस का मतलब है कि स्पेसिफिक रेशियल ग्रुप्स को अफेक्ट करती है, यानी सब लोगों में ये कॉमन नहीं है। द पेशेंट्स हैव लिटिल और नो मेलानिन इन देयर स्किन और हेयर, में कोई मेलानिन प्रोटीन होती, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन द आईज वेरीज एंड व्हाइल सम इंडिविजुअल्स हैव रेडिश आईज एंड मोस्ट हैव, अब इन एल्बिनिज्म के लोगों में क्या होता है कि कुछ की रेडिश आईज होती हैं और कुछ की ब्लू आईज होती हैं, क्योंकि इनमें मेलानिन नहीं होता तो अमाउंट ऑफ पिगमेंट जो होता है ना, क्योंकि मेलानिन हमारे बॉडी के अंदर हमारे कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मेलानोसाइट्स होती हैं सेल्स जो कि मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है ना उनमें मेलानोसाइट्स की अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है, और जिनका थोड़ा लाइट और फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है तो उनमें मेलानोसाइट्स की जो अमाउंट होती है ना वो कम होती है। तो अब एल्बिनिज्म के पेशेंट्स के अंदर क्या होगा कि मेलानिन प्रोटीन्स नहीं होती, सो उनके अमाउंट ऑफ पिगमेंट जो है ना वो वैरी करता है, इसलिए उनकी आईज का कलर जो है ना वो या तो रेडिश भी हो सकता है या फिर ब्लू भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक उनकी ना एक पिक्युलैरिटी है, लेकिन ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें और 10-12 प्रॉब्लम्स एल्बिनिज्म के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे, उनका फेस एसिमेट्रिक होगा, ठीक है, उनके अंदर और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब उनके अंदर और इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ तक हमारी ये जो तीन स्किन मैनिफेस्टेशन है ना, ये हमारी आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर द पार्टिसिपेशन, और अब किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है ना तो वो अब पूछ सकते हैं। मैम, यस मैम, एनीमिया और जॉन्डिस में हम डायग्नोस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बच्चा जो बेसिकली आपके पास अनीमिया आता है ना, अनीमिया बेसिकली होता है कि आपके पास हीमोग्लोबिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कम हो गई है। आप दोनों की रिस्पेक्टिव जो बॉडी एरियाज की साइट्स है ना वो देखें, आपके पास जो जॉन्डेंस होती है ना उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन और स्क्लेरा उसमें सबसे रिलायबल साइन होता है कि आपका जो स्क्लेरा होता है ना वहां पे पेलनेस आती है, ठीक है। जबकि आपकी जो स्किन होती है ना वो वहां पे नॉर्मल रहती है, ठीक है। यानी जॉन्डेंस और अगर हम इसमें एक डीडी बनाए ना तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है ना वो स्क्लेरा वाला पॉइंट आता है। मैंने अभी बात की थी ना कि ये जो हमारे पास अनीमिया होगा वो उसकी सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन कहाँ पे आती है, अनीमिया की मैनिफेस्टेशन दो जगह में मैंने अभी बताई है कि आपकी जो है ना वो लोअर कंजक्टाइवा में और डॉर्सम ऑफ टंग में आती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी जॉन्डेंस है ना उसमें स्क्लेरा आपकी जो होगी ना वो मोस्ट रिलायबल साइट होती है जहाँ पे हमें शो हो रहा होता है, पेशेंट पैलर हो रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों में हम वहां पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी जो जॉन्डेंस है ना उसमें जो हमारे पास इसकी ब्लू रिबन की कॉन्सेंट्रेशन है ना वो राइज कर जाती है अबव 2 mg/cm से, ठीक है। और ये हम डिफरेंट जो बॉडी एरियाज है ना उन पे देख सकते हैं, लेकिन जॉन्डेंस और अनीमिया में स्पेसिफाइड करने वाला पॉइंट एक ही है विच इज क्लियर, ठीक है। क्लियर, थैंक यू। यस जी स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन? मैम अगर मैम हैंड्स पे और फीट पे अगर साइनोसिस हुआ है तो वो सेंट्रल है कि पेरिफेरल? हैंड्स और फीट वाला जो है ना वो आपका होगा पेरिफेरल साइनोसिस, ओके मैम, ठीक है मैम, क्योंकि वो आपकी पेरिफेरीज को इन्वॉल्व कर रहा है ना मैम। जी मैम, जो विटिलिगो का पेशेंट होगा उसके अंदर जो मेरे जो वाइटिशिंग के जो पैच होंगे उसमें एल्बे अपना मेलानिन नहीं होगी? कैन यू स्पीक लाउडली जे थोड़ी फास्ट। मैम, वो विटिलिगो नहीं पड़ा अभी, उसका जो पेशेंट होगा ना जो वाइट पैच होंगे बॉडी पे वो उस वाइट पैच की जगह में इनके वो मेलानिन नहीं होगा, मेलानिन खत्म हो गया होगा? नहीं, बेसिकली जो वाइट पैचेस है ना ये स्किन की मैनिफेस्टेशन है, उसमें मेलानिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होता। विटलिगो के अंदर स्पेसिफिकली जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर वाइट पैचेस वो बेसिकली
बॉडी की होती डीपिगमेंटेशन ही है, लेकिन वो हम स्पेसिफिकली मेलानिन के रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकते कि वो बॉडी की डीपिगमेंटेशन ही होती है, लेकिन वो स्पेसिफिक उसकी ओरिएंटेशन इस तरह की है कि वो वाइट पैचेस स्किन के ऊपर आपको शो करता है। ओके मैम, थैंक यू। मैम प्रिकॉशन क्या होती है, एक दफा दोबारा बता दें। परकशन बेटा जी मैम, प्रिकॉशन परकशन। देखो जो परकशन है ना, वो परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना वो हमारे सिस्टम्स में यूज होते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमारा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम इवैल्यूएशन करने के लिए ना नॉर्मली परकशन और ऑस्कल्टेशन को यूज करते हैं। अब जो हमारे पास परकशन होती है ना बेटा, वो इस तरह होती है कि हम ना जिस तरह लंग्स पे डिफरेंट लोब्स होती हैं, ठीक है, समटाइम्स पेशेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट लंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट को किस टाइप की लंग डिजीज है। ठीक है, आइदर वो एयर फिल्ड लंग डिजीज है या उसमें फ्लूड फिल्ड है, तो हम उसको चेक करने के लिए ना हम परकशन करते हैं। परकशन करने का मैंने आपको मेथड बताया था कि हम ना फिंगर मेथड यूज करते हैं, हम दो फिंगर्स रखती हैं, हमारी जो रिब्स है ना उनके दरमियान जो स्पेसेस है ना, आप अब ये एक्सपेरिमेंट भी खुद पे करके देखिएगा कि परकशन के लिए ना हमारी जो टोटल रिब्स है ना उनके ऊपर अपनी आपने एक अपनी फिंगर रखनी है एक रिब के ऊपर और सेकंड फिंगर रखनी है रिब के नीचे। ठीक है, और जो आपने अपना दूसरा हैंड होगा ना उसका आपने एक हैमर बना के ना, यानी उसको एक हैमर की शेप देकर आपने उसके ऊपर अपनी थंब के ऊपर ना नोक करना है, दो फिंगर से ना नोक करना है। ये पूरी आपको मैं ना वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कैसे परकशन करती हैं। ठीक है, तो परकशन जब आप करते हैं ना बॉडी एरियाज पे, तो आप देखोगे कि जहां पे आपकी रिब्स होंगी ना वहां पे आपको एक सॉलिड मतलब साउंड सुनाई देगी अपने हाथ की, मैं हैंड्स की बात कर रही हूँ, लेकिन जहां पर आपकी होगा ना आपके लंग्स के लोब्स होंगे एरियाज होंगे वहां पे आपको लाइट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो है परकशन किस तरह करते हैं, ठीक है, ऑस्कल्टेशन कैसे होती है, और ये पूरे पूरे लेक्चर्स हैं इसके ना, आई थिंक सो के SCP आपके 4 या 5 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जहाँ पे भी होगा ना परकशन और ऑस्कल्टेशन के, वहाँ पे स्पेसिफिक मेथड्स होंगे कैसे ऑस्कल्टेशन करते हैं कैसे परकशन करते हैं। और वैसे भी अगर फिर भी मैं आपको साथ ना परकशन का जो पूरा मेथड है ना एक यूट्यूब की वीडियो ना आपके साथ मैं ड्राइव पे शेयर कर दूंगी। ठीक है जी मैम, थैंक यू। ना एक दफा उसको देख लो। मैम जो ये स्लाइड है ये हमें कहाँ से मिलेगी? बच्चे ये मैंने क्लिनिकल लॉग बुक्स तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ना, तो वो तो आप लोगों के पास आ गई है। जो स्लाइड है ना वो मैं ग्रुप बना के ना तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ड्राइव पे शेयर करूंगी। ठीक है, okay. या फिर मैं आपके साथ जीमेल पे भी, आपके जो जीमेल जिस तरह मैंने आपके साथ जूम लिंक शेयर किया था ना, मैं आपको जीमेल पे भी शेयर कर सकती। ठीक है, लेकिन ये सारी जो स्लाइड्स है ना ये सारे बच्चे प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो अपकमिंग का जितने भी आपके क्विजेस होंगे वो मैं इन स्लाइड्स में से भी बनाऊंगी। ठीक है, मैंने आगे लिख दिया, मेंशन कर दिया कि रेफरेंस बुक कौन सी है। ठीक है, तो हमारी जूम मीटिंग मैम इसके क्विज भी होंगे, मैम इसकी प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वो अभी अभी नहीं होगा, अभी मैं जब अरेंज करूंगी ना उससे पहले मैं आपको एटलीस्ट बता दूंगी 2-3 डेज बिफोर कि एक लेक्चर का क्विज है तो आपने प्रिपेयर करना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो फिर हम यहाँ पे मीटिंग अपनी एंड करते हैं। ठीक है मैम, वाली स्लाइड रिपीट कर दें। कौन सी स्लाइड? पॉलीसाइथीमिया वाली स्लाइड। बच्चे जूम मीटिंग का हमारा टाइम शायद एंड होने वाला है मैम, नेक्स्ट लेक्चर में कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं पॉलीसाइथीमिया के बारे में मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि हमारे जो पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स होते हैं ना, अगर वो हमारे पास हाईली अगर हमसे पूछा जाए ना कि हाईली साइनोटिक पेशेंट्स किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा होती है, और हमने साइनोसिस के पीछे जब दो डेफिनेशन पढ़ी है ना तो हमने यही बात की थी कि उसके लिए इन द पेशेंट्स विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल साइनोसिस कब होगी, जब आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल करेगी इतने लेवल से, और आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन होनी चाहिए 8 किलो पास्कल्स।
ठीक है, मतलब ये कि पॉलीसाइटीमिया के पेशेंट्स हाईली साइनोटिक हो सकते हैं, लेकिन आपके हाइपोवोलेमिक पेशेंट्स यानी जो जिन जो पेशेंट्स शॉक में जा सकते हैं या फिर आपके अनीमिक पेशेंट्स, वो बहुत रेयरली होता है कि वो साइनोटिक हो, क्योंकि उनमें तो पहले ही ऑक्सीहीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है ना। जी मैम समझ आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ का आज का लेक्चर ना यहाँ पे एंड करते हैं और होपफुली आप लोगों को आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो मेरी जीमेल है वहाँ पे मैसेज करके ना कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, और बाकी लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगी उधर। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।